क्या लगता है सबसे कमाल का ड्राइवर कौन है? मेरे हिसाब से बोरी, उससे एक ही लाख में धूल चटा दूंगा। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। एक बार फिर से हो जाइए तैयार बाइक रेस और बाइक स्टंट वाली फिल्म के लिए। आदित्य चोपड़ा जल्द ही बनाने वाले हैं धूम फॉर फिल्म को। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती है जो हमेशा चर्चाओं में रहती है, और उसका रीजन रहता है पूरी फिल्म की सीरीज हिट होना। अगर ऐसी हम सीरीज की बात करें तो जिनमें टाइगर सीरीज, धूम सीरीज, हाउसफुल सीरीज, हेरा फेरी सीरीज, ये सारी फिल्मों की सीरीज ऐसी है जिनके अगले पार्ट को लेकर हर कोई बेहद ही एक्साइटेड रहता है, और उनकी सीक्वल के चर्चे आए दिन सोशल मीडिया पर होते रहते हैं। और हम इस सीरीज में बात करने वाले है ऐसी ही एक फिल्म धूम फोर पर। दरअसल जब साल 2013 में आमिर खान की धूम 3 फिल्म रिलीज हुई थी, उसके 2 महीने बाद ही धूम 4 के चर्चे आना शुरू हो गए थे। ये फिल्मों को लेकर कई सारी अपडेटें पहले भी सामने आ चुकी है, जिनमें पहले बताया जा रहा था कि ये फिल्मों में लीड रोल में सलमान खान और रणवीर सिंह देखने को मिलेंगे। सलमान खान और अभिषेक के संबंध अच्छे न होने के कारण 2015 में ऐसी अपडेट आई थी कि धूम 4 में अब सलमान खान और रणवीर सिंह देखने को मिलेंगे। फिर ऐसा नहीं हुआ और ये फिल्म की स्टोरी को फिर से लिखा गया, और अभी तो सलमान खान और अभिषेक के रिश्ते भी अच्छे हैं, जिनका रिलेशन हमने हाल ही में आईफा अवार्ड में देखा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये फिल्म की स्टोरी क्या होगी और ये फिल्मों में विलन कौन होगा। हालांकि हम सबको पता है कि एज अ पुलिस ऑफिसर तो अभिषेक बच्चन ही नजर आने वाले हैं, लेकिन विलन के तौर पर ये फिल्मों में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 विलन देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ तक कि ये इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। विलन की लिस्ट में जिनमें टॉप पर है सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, ये तीनों एक्टर का नाम टॉप पर सामने आ रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, ऋतिक रोशन धूम सीरीज में वापसी कर सकते हैं। अब ये वापसी कैसे करेंगे उस पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ। और बात करें फिल्म की स्टोरी, तो ये फिल्म की स्टोरी को लॉक कर दिया है। अब जल्द ये फिल्म का प्री प्रोडक्शन वर्क भी शुरू होगा और फिल्म की कास्ट भी कन्फर्म की जाएगी, और हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि ये फिल्म आने वाले 2 या 3 सालों में रिलीज हो। बस अब इंतजार है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, और वैसे भी फिल्म बड़ी है तो बनने में टाइम तो जाएगा, क्योंकि धूम सीरीज की एक खासियत होती है कि उनके अगले पार्ट पिछले पार्टों से हमेशा बेहतर बनाया जाता है। जैसा कि हमने धूम देखा जिनमें जॉन अब्राहम थे, फिर ऋतिक, फिर आमिर, और अब कौन होगा वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा।